अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बजरीस कराची किंग। और बर्ड्स एसोसिएशन के जितने भी मेम्बरान्स हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। मैं आज बर्ड्स एसोसिएशन और बजरीस कराची किंग के तमाम मेंबर्स, हजरात, लेडीज़, बच्चे, बुजुर्ग, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इन 20-25 दिनों में, एक महीने के अंदर अंदर जो कि हमारी एसोसिएशन ने जाल वालों का बड़ा ज़बरदस्त बायकॉट और उनको बर्ड्स ना दिए, उनकी तरफ से मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस पर भरपूर शिरकत की और उसका भरपूर साथ दिया एसोसिएशन का। मुख्तसरन एक बात करूँगा कि देखें, बात ये है कि मामला इस हद तक गए क्यों कि हम लोगों को बाइकआउट करना पड़ा। बाइकआउट की वजह ये थी कि हम लोग जो है ना, जो बर्ड ब्रीडर हैं, वो एक मखसूस तबका है जो कि अपना रोज़गार, जो भी छोटे मोटे मामलात हैं उस पर वो लेकर के चलता है। तो लोग ये चाहते हैं कि भाई, जाहिर सी बात है, जब वो इतनी मेहनत कर रहा है, दाना खिला रहा है, दाना इतना महंगा है, तो उसका रिज़ल्ट, उसका फ़ायदा दूसरा क्यों उठाए। दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं कि भाई, जो परचेजिंग कर रहा है वो भी इस मामलात में हम लोगों का भरपूर सपोर्ट करें, ना कि नाजायज़ हक मारे हम लोग। तो मुझे बड़ी बातें आई पहले से सुनने में कि भाई, आप माल हमें नहीं दोगे तो किसको दोगे। तो हमने तो आपको माल देने से मना ही नहीं किया था, मगर आप चैलेंज कर रहे थे कि भाई हमें नहीं दोगे तो किसको दोगे। तो हमने करके दिखा दिया कि आपको माल नहीं मिलेगा। रेट आप ये कहते हैं कि एक्सपोर्ट होती है तो जो है माल खुलता है। तो भाई, जब एक्सपोर्ट हो रही है तो जो है ना, वो आप माल के रेट ऊपर कर देते हो, जब एक्सपोर्ट नहीं होती तो जब माल के रेट नीचे कर देते हैं। तो भाई, जब एक्सपोर्ट नहीं हो रही और लोकल माल जा रहा है तो आप माल उठा क्यों रहे हो? अच्छा, माल ले रहे हो तो आप पीछे को वाले को भी बोल सकते हो कि भाई, इतने में कम में माल लेंगे तो भाई लोग तो हमें ही सुनाएंगे, और वो आपको सुनने में आ रहा है। फिर आप ये कहते हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यार, फ़र्क कैसे नहीं पड़ेगा? हमें फ़र्क पड़ रहा है, जो ब्रीडर को फ़र्क पड़ रहा है, आपको कैसे नहीं पड़ेगा? आपको जब माल ही नहीं मिलेगा पीछे से, तो आपको क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? आप ये कह रहे हो, ठीक है भाई, अगर आप ये बोलते हो कि भाई, अगर 700-800 रुपए का भी बजरी आ जाता है, 900-1000 रुपए का भी बजरी आ जाता है, ठीक है ना, और आप कहते हो कि लोग आपके पास आ जाएंगे, ठीक है ना, तो भले आए, हम तो अभी भी मना नहीं कर रहे, आप 200 रुपए में भी बजरी उठाओ, ले लो लोगों से, 800 रुपये में आए, 1000 रुपये में आए, लो। मगर हमारा एम ये है एसोसिएशन का कि बर्ड्स हमारा, रेट हमारे, सारी चीज़ें हमारी होंगी। आप रेट का तयन नहीं करते। अच्छा, आप ये कहते हो कि एक्सपोर्टर रेट का तयन करता है, हम नहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक्सपोर्टर को भी तो बोल सकते हो कि भाई, ये तो इस तरीके से तो लोग हमें माल देंगे ही नहीं, हमें कौन माल देगा? आप इतना कम रेट लगा रहे हो, हम तो नहीं ले रहे माल जा करके, और कोई सुनने में आपको आ रहा है, और आप कह रहे हो हमें माल नहीं दोगे तो किसको दोगे। तो भाई, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, एक तो होल्डिंग पावर भी बहुत है, सही है ना, और आगे माल देने की भी सकत है, और इंशाल्लाह तमाम मेंबर्स, तमाम एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं उनके साथ एसोसिएशन पूरा कोऑपरेट करेगी। आने वाले वक्तों में बिल्कुल सारी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह ताला। हाँ, आप लोग साथ मिलकर के नहीं चलोगे, मुसलमान मुसलमान का हक मारोगे, तो भाई इस तरीके से एसोसिएशन आपका साथ नहीं देगी।
मैं अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है, आप बकरीद का इंतज़ार कर लें या अपना मुहर्रम का इंतज़ार कर लें, ठीक है, जब तक रेट स्टेबल नहीं होंगे और एक रेट नहीं होंगे तो जो है ना हम आपको माल नहीं देंगे। और दूसरी बात ये कि आपने ये वाली बात बोली आप लोगों ने कि भाई एक्सपोर्ट का जो तयन होता है वो रेट का तयन होता है वो एक्सपोर्टर करता है, ठीक है ना, तो आप एक्सपोर्टर को पूछ सकते हैं कि भाई हम इस रेट में जो है ना मार्केट में हमें माल नहीं मिल रहा, हम कैसे लें, खपत की बात है और जहाँ तक की ये बात है, ठीक है ना, तो वो भी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है और लोग कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जैसे अभी कुर्बानी का सीज़न चल रहा है तो और शख्स चाहता है कि जो है ना मेरे घर में कुर्बानी हो, तो वो उसके जहन में ये बैठा होता है कि मेरे बर्ड सेल होंगे तो मैं अपने घर में कोई जानवर या कोई ऐसी चीज़ लेकर के आ जाऊँगा जिससे घर में मेरी कुर्बानी हो। तो आप लोगों ने तो ये हाल कर दिया कि लोग जो है ना वो कुर्बानी तो क्या मतलब, वो इससे लेने के भी लिए काबिल नहीं है, वो अपना बर्ड किस तरीके से सेल करें उनके पास बचत ही नहीं पा रही, वो किस तरीके से जो है ना वो अपनी कुर्बानी करेंगे। तो थोड़ा सा जो बेचारे जो घर के लोग हैं जो बच्चे हैं वो भी सोचते हैं कि यार हमारे घर में कुर्बानी होगी, घर वाले जो है ना वो जो है ना कुर्बानी में हिस्सा लेंगे या कुछ हमारे घर में जानवर आएगा। आप लोगों ने तो वो भी नहीं उन लोगों को बेचारों को छोड़ा कि जो है ना वो अपने घर में कुर्बानी कर सकें, तो जिनका ज़रिया मार्च बर्ड के हवाले से चल रहा है जो चाहते हैं कि हम 20-25-30 हज़ार रुपये का बकरा ले लें, आप लोगों ने तो उनकी भी मट्टी क्लीन कर दिया, आपने हज़ारों का बर्ड जो है ना वो कौड़ियों के नाम कर दिया, 100-100, 200-200, 300-500 रुपये में ला दी, तो वो कहाँ से अपना जो है ना कुर्बानी करेगा। आप लोगों का इन चीज़ों का मुसलमान होने के नाते आप खुद भी इस चीज़ का ख्याल करें, और जितने भी एक्सपोर्टर हजरात हैं और जितने भी जाल माफिया बैठा हुआ है ये वो सबको मैं इनको ये कह रहा हूँ कि भाई एक मुसलमान होने के नाते जितना आप लोग खा लेंगे कितना कर लेंगे, किसी के गरीब का हक मार देना, किसी बड़े का हक मार देना, कोई आखिरत में क्या लेके जाना, कुछ भी नहीं लेके जाना, सही है, कब्र में कितना ले जाओगे भाई, कुछ भी सब यहीं पर ही रह जाना है। तो हमारी कोई एसोसिएशन की कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है, हम तो लोगों के साथ मुखलिस हैं, हम महबूद का वेलफेयर का और सारे जितने भी लोग हैं वो हम ख्याल हैं, इंशाल्लाह ताला जब तक रेट स्टेबल नहीं होंगे और एक रेट का तयन नहीं होगा आपका बाई गॉड रहेगा, आप लोगों को कोई भी माल नहीं देगा, ये मैं आज खुला ऐलान कर रहा हूँ आप लोगों, ठीक है, इसलिए कि किसी का नाजायज हक मार देना, किसी के पर्स को कचरा कर देना और माल लेना और बोलना पीछे से एक्सपोर्ट नहीं है, माल नहीं ले आप नहीं आए, मार्केट ख़राब नहीं करें, ठीक है, अगर मार्केट ख़राब करेंगे आपको माल देंगे ही नहीं हम, बायकॉट है आपका, ये आप जहन में डालें और आने वाले फ्यूचर के लिए भी ख्याल रखिएगा इस चीज़ का इंशाल्लाह। बाकी ये है कि एसोसिएशन अपना काम वर्क जारी रख रही है, इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द आप लोगों को मेंबर्स को और जितने भी बर्ड्स कवर है और बर्ड फैंसियर हैं और जो इस शोबे में आना चाह रहे हैं जो एसोसिएशन को ज्वाइन किए हुए हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह एसोसिएशन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो है ना इंशाल्लाह ताला आगे स्ट्रगल करनी है और एक अच्छी आमदन की तरफ हम लोग इंशाल्लाह ताला जाएंगे। इंशाल्लाह ताला आप लोगों की सपोर्ट है और जाल बायकॉट है जब तक रेट स्टेबल नहीं होंगे, एसोसिएशन रेट जारी करेगी इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाह उस रेट पे जो है ना वो सबसे मुशावरत करके जो है ना आप रेट इंशाल्लाह तय करेंगे और उसके बाद जो है ना वो हम आगे जाके ना इस चीज़ को फॉरवर्ड करेंगे। अगर एक्सपोर्टर इस चीज़ पे जाल वाला इस चीज़ पे जो है ना वो तैयार है कि हम इस रेट को स्टेबल करने के लिए तैयार हैं, अगर दाने से जो फीड आ रही है उससे कम में पड़ जाएगा तो मुकम्मल बायकॉट है, दाने का रेट से ऊपर का रेट होगा इंशाल्लाह ताला 100% तो हम जो है ना इनकी सपोर्ट करें, अदरवाइज बायकॉट।